प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 11वां पाठ गुलाबी नगरी को का जो भाषा से जो व्याकरण संबंधित प्रश्न थे उसको कल कर रहे थे। कल आपको याद होगा कि हमने आपको र शब्द का प्रयोग बताया था, किस तरह र शब्दों को पढ़ा जाता है, बोल बोल करके पढ़ो का अभ्यास हो। प्रणाम, इसमें प के नीचे र लगा है और ऐसे र का उच्चारण मुख्य वर्ण के बाद में आता है, प के बाद में आएगा, जैसे प्रणाम। उसी तरह प्रतीक्षा, प्रवासी, प्रसिद्ध, योग, प्रयोग, और दूसरा तरह का जो र है जो किसी वर्ण के ऊपर आता है, उदाहरण में जैसे पर्यटक, तो य के ऊपर जो र आया है वह उसका उच्चारण हम पहले करें, ये हमें याद रखना है। जो किसी वर्ण के नीचे आता है उसको हम बाद में उसका उच्चारण करते हैं, और जो किसी वर्ण के ऊपर आता है, जैसे पर्यटक में य के ऊपर आया है तो य से पहले उसका उच्चारण किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पर्यटक से ही, तो पहले हमने र का उच्चारण किया, बाद में य का किया। पर्यटन दूसरा शब्द है, पर्यटन। तीसरा है पर्याय। चौथा है पर्याप्त। फिर है पर्वत। फिर कौन सा शब्द है? पर्वत। तो इन्हीं का हमने अभ्यास किया था और आपने भी इसे जरूर इसको दोहराया हो। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं पढ़कर। प्रणाम, प्रतीक्षा, प्रवासी, प्रसिद्ध, प्रयोग, दूसरे र का प्रयोग, पर्यटक, पर्यटन, पर्याय, पर्याप्त, पर्वत। दूसरा है पढ़ो, समझो और लिखो। ये हमारा क भाग, हमने इसको कर लिया था, आपको याद होगा। इसमें प्रत्यय लगा करके नया शब्द बनाया था हमने, तो पहले वाले में वी प्रत्यय लगाया था, जैसे देश का विदेश, शेष का हमने आपको बताया था विशेष, जय का विजय, योग का वियोग। उसी तरह वास में हमने प्र प्रत्यय लगाया था, तो प्रवास, वास का प्रवास, देश का प्रदेश, सिद्ध का प्रसिद्ध, और योग का प्रयोग। तो ये था हमारा क भाग, आज हम इसका ख भाग करेंगे। ये आपने लिख लिया था, आपको याद भी हो गया होगा, अब मैं इसका ख भाग आज करूँगा। तो ये भी शुरुआत करते हैं भाषा से का ख भाग है। पहला शब्द है लोक, जमा, नृत्य, गुड़िया, जमा, घर, लोक, जमा, कला, चिड़िया, चिड़िया, जमा, घर, लोक, जमा, संगीत, लोक, जमा,
गीत, लोक जमा गीत और भी हैं, रसोई जमा घर, रसोई जमा घर, लोक जमा संगीत, लोक जमा संगीत, स्नान जमा घर, स्नान जमा घर, तो ये शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बने, दो शब्दों के मेल से, दोनों का अपना अपना शब्द है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये शब्दांश है, लोक का भी लोक एक शब्द है और कला जो है ये भी शब्द है, ऐसे शब्द हम कहेंगे, ये कोई प्रत्यय नहीं लगा है, ये दो शब्दों का जोड़ है, ये दो शब्द के मेल से ये शब्द बने हैं, और दो शब्दों के मेल से बने पांच शब्द हमें पाठ से ढूंढकर भी लिखना है, ये काम है। तो सबसे पहले दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को लिख लें, हमें दो उदाहरण भी दिया है, तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है इसी उदाहरण से करेंगे। तो है लोक जमा नृत्य, लोक नृत्य कहलाता है, लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक जमा नृत्य, लोक नृत्य, गुड़िया जमा घर, गुड़िया घर, ये हमें उदाहरण के तौर पर दिए भी है। अब हम इन शब्दों को बना करके लिखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। लोक जमा कला, ये क्या कहलाता है, लोक कला। तो दो शब्दों के मेल से ये शब्द बन रहे हैं, तो लोक कला, दूसरा है चिड़िया जमा घर, चिड़िया घर कहलाता है, चिड़िया जमा घर चिड़ियाघर कहलाएगा, लोक जमा गीत, लोक जमा गीत लोक गीत कहलाएगा, शब्द बना लोक गीत, रसोई जमा घर रसोई घर, रसोई घर, लोक जमा संगीत लोक संगीत, स्नान जमा घर स्नान घर, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो इसमें हमने देखा दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है, और हमें पाठ में से ऐसे पांच शब्दों को ढूंढना भी है। तो अभी तो हम इसको पूरा करते हैं और उसके बाद अपने पाठ ग्यारहवें पाठ जो है गुलाबी नगरी से हमें पांच शब्दों को ढूंढना है जो कि दो शब्दों के मेल से बने। तो लोक जमा नृत्य, लोक नृत्य,
गुड़िया जमा घर, गुड़िया घर। लोक जमा कला, लोक कला। चिड़िया जमा घर, चिड़िया घर। लोक जमा गीत, लोक गीत। रसोई जमा घर, रसोई घर। लोक जमा संगीत, लोक संगीत। स्नान जमा घर, स्नान घर। अगला है, अब इसका पाठ से हमें दो शब्दों के मिल से बनने वाले शब्दों को छांट करके या ढूंढ करके हम कहेंगे, हम लिखेंगे और हमें ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे। तो कुल मिलाकर हमें दो शब्दों के मिल से बने पांच शब्द पाठ में से ढूंढ कर लिखो, ये था हमारा प्रश्न। तो हम इसी का उत्तर ढूंढ रहे हैं। पाठ हमारा है ग्यारहवां पाठ है गुलाबी नगरी। तो हमारा पहला जो शब्द है वो है हवा महल। हमारा ये पहला शब्द है हवा महल। हवा जमा महल, ये मिलकर बना हवा महल। दूसरा है हमारा, दूसरा शब्द है हमारा मछली घर। मछली जमा घर क्या बनेगा? मछली घर। तीसरा है चिड़िया घर। ये पाठ में है शब्द चिड़िया जमा घर। चिड़िया घर चौथा शब्द है हमारा तारा जमा मंडल। ये बना तारा मंडल। इसके अलावा है गुड़िया घर भी दिया है, तो हम गुड़िया घर है, लोक नृत्य भी है, तो हम गुड़िया घर भी लिख सकते हैं, लोक नृत्य भी लिख सकते हैं। तो किसी एक को लिखना है तो हम लिखते हैं लोक नृत्य को भी लिख सकते हैं, लोक जमा नृत्य क्या बना? लोक नृत्य। लोक नृत्य ये पांच शब्द हमने अपने पाठ से ढूंढा है ग्यारहवें पाठ से, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अगला है पढ़ो समझो और शब्द बनाकर लिखो। पढ़ो समझो और शब्द बनाकर लिखो, जैसे है वास, निवास, निवासी, प्रवास, प्रवासी। ये सभी शब्द वास शब्द से बने हैं, एक मूल शब्द से बनने वाले शब्द, एक शब्द परिवार के कहे जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के शब्द परिवार बनाओ। तो
इसके अंदर है शब्द परिवार का, जैसे कि ये बहुत अच्छा बताया है कि वास, वास निवास, निवासी, प्रवास, प्रवासी, तो सब में हमने देखा वास मूल शब्द है। इसको पहले समझ लेते हैं मूल शब्द होता क्या है और मूल शब्द से बनने वाले शब्दों को उस शब्द परिवार का कहा जाता है। इसको पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया है। अब चलते हैं अपने भाषा से का तीसरा प्रश्न हम करें। भाषा से का तीसरा प्रश्न पढ़ो समझो और शब्द बना कर ले, पढ़ो समझो और शब्द बनाकर, और शब्द बनाकर लिखो। पहला भाग है हमारा, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वास शब्द है और इससे जो इन शब्दों में भी ज़्यादा गौर कीजिएगा, निवास, निवासी, प्रवास, प्रवासी, जो है तो हमने देखा है जो वास शब्द है सभी शब्दों में समाया हुआ है, जो वास शब्द है वो सभी शब्दों में समाया हुआ है, जैसे निवास में भी है, निवासी में भी है, प्रवास में भी है, प्रवासी में भी। तो हम कहेंगे जो वास मूल शब्द है, मतलब इसी शब्द से बाकी शब्दों की रचना हुई, तो ऐसे शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है। तो इसमें वास क्या है, मूल शब्द है, और इन शब्दों को क्या कहेंगे जी, निवास, निवासी, प्रवास, प्रवासी, इन शब्दों को हम कहेंगे कि ये सब इसी शब्द परिवार के हैं। किस शब्द परिवार के हैं, वास शब्द परिवार के, क्योंकि इन्हीं से वास से ही मूल शब्द से ही इनका निर्माण हुआ है, या फिर मूल शब्द से ही ये बने हैं। तो ये था हमारा शब्द मूल शब्द और शब्द परिवार, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, वास मूल शब्द हो गया और ये जो हैं ये हैं शब्द परिवार, इसके शब्द परिवार के हैं, शब्द परिवार है वास के, शब्द परिवार के शब्द हैं। तो ये हमने आज जाना मूल शब्द और शब्द परिवार, मूल शब्द से कैसे अन्य शब्दों का निर्माण होता है, कैसे वे बनते हैं, कैसे वे उसमें समाहित रहते हैं, और उन्हें मूल शब्द का शब्द परिवार कहा जाता है। और आपको कुछ तीन शब्द भी दिए हैं, दर्शन, देश, योग्य, दर्शन, देश और योग्य, तो इनसे हमें ये मूल शब्द दे रखे। अब जैसे कि हमें वास था, ये मूल शब्द दिया हुआ, तो इसमें दर्शन, देश और योग्य मूल शब्द हैं, और हम इन मूल शब्दों का प्रयोग करते हुए इनके शब्द परिवार के तीन तीन शब्द लिखने हैं। हमें कितने लिखने हैं, तीन तीन,
तो आज का आपका गृह कार्य रहेगा, कल हम इसे कक्षा में भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।